नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो एपिसोड है ये स्पेशल है और केवल दो राशियों के लिए है। जी हाँ, और है भी साप्ताहिक राशिफल। मित्रों, दो राशियां ऐसी रहेंगी जिन पर जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर एक गज केसरी राजयोग भी बनेगा, एक शश नाम का राजयोग, एक नीच भंग राजयोग, और इसी दौरान आगे आने वाले समय में आपके लिए एक शुक्र का राजयोग भी बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बदलाव के तौर पर देखने को मिलेंगी। तो मित्रों, चार राजयोग एक साथ, कौन सी वो राशि है जो भोगने जा रही है उसकी भी चर्चा करूँगा। और उससे पहले आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है। यह जो फल है 16 मार्च से लेकर के और 21 मार्च तक का रहेगा। इस दौरान 16 तारीख को मेष के चंद्रमा हैं, 17 को भी मेष के हैं, 22 को शाम को परिवर्तन करेंगे 5:30 बजे वृषभ राशि में, और फिर 19-20 जो है इसी राशि में रहेंगे और दिनांक 21 तारीख को मिथुन में चले जाएंगे। तो यानी कि शुरुआत में, यानी कि 16 तारीख से जब ये मेष के रहेंगे तो जो सबसे पहली राशि जिन दो की बात करनी है उनमें से पहले नंबर पर रहेगी कर्क। जितने भी कर्क के दर्शक इस समय मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, आपसे विशेष निवेदन है कि यहाँ पर शुरुआत के जो पहले 2.5 दिन हैं, यानी कि 16, 17 और 18 तारीख की शाम 5:30 बजे तक आपके कार्य रुकेंगे नहीं, ये मैं आपसे निश्चित तौर पर यहाँ कह देना चाहता हूँ और बिल्कुल 100%, क्योंकि जो तीन राज्यों की मैंने अभी बात करी वो आपकी राशि में बन चुके हैं। आपकी राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं, कर्म भाव पर रहेंगे तो कर्म की गति को मजबूत करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। साथ में गुरु का केंद्रीय प्रभाव चंद्रमा पर रहेगा तो एक गज केसी राजयोग भी रहेगा, और नीच भंग और शश तो आपके लिए ऑलरेडी चल ही रहा है। तो इसका मतलब 18 तारीख शाम 5:30 बजे तक ग्रह गोचर काफ़ी अच्छा है। इसके बाद से जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाएंगी, और बदलने का जो मूल कारण है वो ये कि 19 और 20 तारीख में ये जो 2 दिन हैं इसमें चंद्रमा का गोचर मंगल और राहु के साथ में रहेगा, और वह भी लाभ स्थान में। 11th हाउस में यहाँ इनका रहना एक अंगारक दोष तो चल ही रहा है, और चंद्रमा जब राहु के साथ सम्मिलित होंगे तो एक ग्रहण दोष भी बन जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ उच्च के चंद्रमा होते हुए भी बहुत ज़्यादा उच्च का फल नहीं दे पाएंगे। सम्मान वगैरह आपका ठीक रहेगा, इसमें तो कोई दोराय नहीं है, प्रोग्रेस भी ठीक ठाक चलती रहेगी, परंतु जो ध्यान रखना है वो इसीलिए रखना है क्योंकि चंद्रमा कमज़ोर हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में धोखे मिल सकते हैं और भाई बहनों के साथ में एक तनाव हो सकता है। अब आप इसमें भी कैटेगराइज करूं तो विशेष रूप से दिनांक 20 तारीख, इस दिन आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ अंतिम। अंतिम मीन्स कि आखिर 21 मार्च 2021 का आपके लिए दिन कैसा रहेगा। इस दौरान चंद्रमा मिथुन राशि में 12वें स्थान में गोचर करेंगे और अपनी राशि से 12वें हो जाएंगे, तो ये भी एक साइन अच्छा नहीं है। यहाँ पर परोपकार की भावना, इमोशनल भावनाओं में बहकर के व्यर्थ के खर्चे करना, ज़रूरत नहीं है फिर भी कर बैठेंगे, और अपना पर्स पहले निकाल देना, किसी भी कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई खाने पीने जा रहे हैं तो अपना पहले पैसा दे दिया। बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है, मैंने देखा है उनको हवाबाजी का शौक होता है। तो यहाँ पर कर्क राशि से जब 12वें भाव में होंगे तो ये जो 21 तारीख का दिन है कोई ज़्यादा उचित मुझे नहीं नज़र आ रहा। मित्रों, ये है आपका कर्क का ओवरऑल फल। अब इसका एक और मूल्यांकन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस को लेकर के कोई चिंता नहीं है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। दूसरी बात, लव लाइफ और मैरिज लाइफ भी अच्छी चलेगी, उसको लेकर के भी कोई चिंता वाली बात नहीं दिखाई देती।
पहले, दूसरे और तीसरे दिन शाम 5:30 बजे तक कर्म की गति कार्यों के लिए, रुके हुए कार्यों के लिए, बनाने के लिए, बनवाने के लिए, प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए, प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है, और उसके बाद थोड़ा संयम पूर्वक काम करना है। अब आपसे बात करता हूँ वो नेक्स्ट राशि जिसके लिए जो फल होगा बड़ा बेहतरीन होगा और अद्भुत अकल्पनीय होगा, और वो है मित्रों कन्या। तो जितने भी कन्या के दर्शक मुझे इस समय सुन रहे हैं, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस मैं चौथे राजयोग की बात कर रहा था कि मालव्य नाम महापुरुष राजयोग, वो आपके लिए बनेगा और उस राजयोग की शुरुआत 18 तारीख से आपके जीवन में देखने को मिलेगी। यानी कि अब भाग्य स्थान के स्वामी और धन भाव के लॉर्ड शुक्र ग्रह सप्तम भाव में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में धन की भी आवक होगी इस राजयोग से और भाग्य की भी आवक होगी। शुरुआत होगी 28 तारीख से, ये 18 तारीख से। पर समस्या ये है कि आपके लिए जो ये पूरा सप्ताह है इसमें फाइनेंशियल गेन तो होंगे, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा, विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है और अकस्मात धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे, पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह अच्छा नहीं है। ये सप्ताह आपके पिता के साथ आपके संबंधों को लेकर के अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल राहु का अंगारक दोष आपके लिए चल रहा है और इस दोष का प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें एक चंद्र राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा और वो होगा 18 तारीख शाम 5:30 बजे से। तो आपको 19 और दिनांक 20 तारीख को काफ़ी ज़्यादा विशेष ध्यान यहाँ रखना होगा, क्योंकि ये भाग्य के घर में जब रहेंगे तो भाग्य की हानि करते हैं। वैसे तो नवम भाव में है तो एक त्रिकोण का नियम है कि यदि नवम भाव में कोई पापी ग्रह बैठा हो, अशुभ या क्रूर ग्रह बैठा हो, तो अपना पापत्व तो कम कर देता है। तो ऐसे तो ये मंगल राहु का दोष कम हो जाएगा, पर फिर भी आप अगर कितने ही पावरफुल हैं, आप कहीं किसी अच्छी जगह जाके बैठ जाएं, पर अनकंफर्टेबल तो हो ही जाएंगे यदि वहाँ आपके एनिमीज बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति बनेगी। तो मैं यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी आपकी मैरिज लाइफ, लव लाइफ, ये सब अच्छी चलती रहेगी। बुध और शुक्र की जो युति है वो दिनांक 16-17 इन दो दिनों में, पहले दो दिन में देखने को मिलेगी हेल्थ के घर में। तो पहले दो दिन मतलब पैसा सोच समझ के खर्च करें, व्यर्थ का ना खर्च करें, ये बात का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। और आपके लिए 18 तारीख से जो राजयोग बन रहा है मालव्य नाम का, वो काफ़ी बेहतरीन है और बहुत अच्छा दिखाई देता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अंतिम दिन आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, यानी कि दिनांक 21 मार्च को जैसे ही आपके केंद्र में चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, तो एक कर्म की गति को मजबूत करेंगे, आपके रुके हुए कार्यों को बनाएंगे, जो आपके जीवन में विघ्न चल रहे हैं उसको दूर करेंगे। इस प्रकार की जो स्थिति है वो यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, ये है आपका 16 से लेकर के और 21 मार्च तक का फल। अगर आप मुझसे लखनऊ में, पटना में, कोलकाता में, मुंबई में मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, मैं उपलब्ध रहूँगा। और कल से ही मेरा ये जो प्रोग्राम है शुरू हो जाएगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी, मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से 22 मार्च मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें 9999 6090 7011 8054 61। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी, दर्शकों अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फोन नंबर 011 2563 8157 2563